Зачем на вас пасал? Зачем? Yes.
your beauty. Allah, who is the most merciful and beneficent. All guests are warmly welcome to the third annual award ceremony of the Vordic School, Mazurabad. As you know, that being a Muslim, it should be our first priority to inaugurate our ceremony with recitation of the Holy Quran. So this class first is invited to recite some verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك all praise to be Allah, the most merciful and the most beneficent, the creator of universe. For him, the your class part is invited. Thank you.
जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी जिंदगी दी, तुझको भी जिंदगी दी। हाओ मेरा खुदा है, हाओ मेरा खुदा है, उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी। हाओ मेरा खुदा है, हाओ मेरा खुदा है, लेता हूँ नाम उसका, बंदा हूँ मैं उसी का। ओ मेरा रहनुमा है, ओ मेरा आसरा है, आओ मेरा खुदा है, आओ मेरा खुदा है। थैंक यू भयू कि मोहम्मद से ओपा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से ओपा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे है। ओ मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, अहमद है, मोहम्मद है, वही हक मेरो सुन है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। ओ मेरा
deliver a speech. Our topic is the teacher touch the future. Teacher, Mr. President,
country. But they will also be the ones running it. I will, Mr. President, I will conclude my speech with this prayer. May all the teachers of the nation live long and have vigor and strength to success. Amin. Thank As you know, union is strength. So this class again is invited for a speech. United we stand, divided we fall. I am here to deliver a speech on the topic United we stand, divided we fall. All the proverbs bearing quality advice seem to have been taken from our lovely religion Islam. As the topic of my speech not English version of Jehovah or the Logarama, the lesson that was delivered since we got the Holy Quran. Islam is a complete راشد محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شیخ کرنے کا موقع ملا ہے اور نظم و ضبط جو کامیابی کے لیے ش...
और हमारे दिन तो नन मौसम का दिन कहलाता है। सब पना कर नमाज के लिए खड़ा होना, इमाम के साथ ही रुको और सजूद के लिए झुकना, एक साथ दुनिया भर के मुसलमानों का रोजा रखना और इफ्तार करना, और दुनिया के सबसे बड़े इंसान इज्तमा यानी हज में नमाज बजमात का इस्तेमाल करना, ये सब नन मौसम के मुजाहरे है और ये नन मौसम कामयाबी का गुर कहलाता है। कोई भी इंसानी ग्रोह, कोई भी इदारा कामयाब नहीं हो सकता जब तक के सब लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले, और फिर हर शख्स अपनी अपनी जगह हर काम एहसास जिम्मेदारी के साथ अदा करे, और इसी चीज को तंजीम कहते हैं। क्या ऊब का है किसी शान ने, तंजीम बड़ी चीज है अहल गुलिस्तान, पकड़े हुए दिन को नशे मन नहीं कहते। अजीज सामीन, हमें नन मौसम का सबक देने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे चुनौतियों का वजूद रखा है। चुनौतियाँ सर्दी के मौसम की तमाम इज्जत मिलकर जमा करती है। इस काम के लिए गर्मी, हजान और बहार के तमाम दिनों में चुनौतियाँ मुसलसल मसरूफ रहती है। ये हमेशा लन बना कर चलती है और ग्रोह से बिछड़ कर नहीं चलती, और शाम होने तक तमाम चुनौतियाँ एक मुकर्रा जगह पर आ जाती है। यही सबक हमें परिंदों के ओर से मिलता है। कुछ परिंदे और दल और मशरक से मगरिब और मगरिब से मशरक का सफर ग्रुप में करते हैं। इनमें एक परिंदा मीर सफर बनकर आगे उड़ता है, बाकी पीछे होते हैं। जो परिंदा आगे होता है वो सबसे ज्यादा तेज हवा का मुकाबला करता है, मगर ये परिंदा बदलता रहता है। जो इतराफ के परिंदे होते हैं वो भी तेज हवा से भी सिरफिकार होते हैं, मगर कुछ फैसले तय करने के बाद इनकी जगह और परिंदे लेते हैं, और यूं एक दूसरे का साथ देकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करके ये परिंदा पूरी दुनिया का सफर करते हैं। वरना अकेले कोई परिंदा एक शहर से दूसरी शहर नहीं जा सकता, यही नज़्म व ज़ब्त का कमाल है। एक शख्स कुछ नहीं कर सकता जब वो शख्स किसी ग्रोह के साथ ना मिले, और कोई ग्रोह कुछ नहीं कर सकता जब तक वो ग्रोह मंजिम और बरबूत ना हो। फर्द काम रखते मिलत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, हमारे अलैना इल्ला भला। ماشاءالله تخلي ماشمه دا غولي دلو دير ولك ماشمه دا غولوكي دير خفلي تخلي روكو يو بيرا بيادي دير فارا فلاكي وفلاكي Thank you, Hamna. We almost all are short talents. We almost all are short talents and patients. Kashyap class 5 is invited to deliver a speech. His topic is tolerance. To start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Honorable guests, respected director, and my dear fellows, Assalamu alaikum. I am here to deliver a speech on tolerance. What is tolerance? It is the consequence of humanity. We are all formed of frailty and error. Let us pardon reciprocally each other body. That is the first law of nature. Tolerance is giving every other human beings every right that you claim for yourself. Respected President, let me quote a translation of some holy verses.
Thank you, Kashif. Now